वेलकम टू अ न्यू व्लॉग गाइज, आई एम इन मेलबर्न राइट नाउ और मेलबर्न में मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे आप कार्ड देख रहे हैं, अमेरिकन डोनट। सो योर ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट विदाउट विजिटिंग दिस कार्ड, ऐसा कहा जाता है। और मैं भी यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के फ्रेशली मेड डोनट्स ट्राई किए जाएँ और इसके बाद देखते हैं क्या कुछ हम कर सकते हैं मेलबर्न में, वो सब कुछ शेयर करूँगा इस व्लॉग में। तो गाइज, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो गाइस, क्यू ख़त्म ही नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से एवरीवन हु इज़ विजिटिंग हियर इज़ कमिंग टू दिस कार्ड, सो इंटरेस्टिंग। वी आर एट क्वीन विक्टोरिया मार्केट एंड तो गाइज, ये छोटी सी क्यूट सी बस है जो कि यहाँ पे 70 ईयर्स से पार्क्ड है। दे आर इनटू दिस बिजनेस सिंस 1950 और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में अंदर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 बेकरी के शेफ्स होते हैं और एक शेफ फ्राइंग कर रहे हैं और एक शेफ इसके अंदर जैम फिल कर रहे हैं और एक सेल कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम होता है और लोग यहाँ पे बचपन से खा रहे हैं इनफैक्ट, और अपने पेरेंट्स के साथ आते थे और नाउ टुडे दे आर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कमिंग विद देयर किड्स। तो गाइस, बहुत ही आइकनिक। फाइनली आई गॉट द वे फ्रॉम देयर, आई शॉट दिस वीडियो फॉर यू गाइस। पड़ी वन पीस वन बैग, व्हाट इज दिस, 5 for $10? Yeah, वन बैग। Yeah. Oh, you give a one piece as well? Yeah, any number $2 each. Okay. That's the only recommendation for the 5, you know, to sell a little more. So, can I get, okay, give me a 5. Yeah, 5 is worth it, you know, take home, family. Where are you dollar. From? Nepal. There you go. Thank you. Thank you, brother. Hi. Look at the queue. Let's open the way into this thing. Take one. Yeah, so guys, freshly made donuts here. Amazing. It had a small bus और अंदर ही सब कुछ बना रहे थे। They were freshly making this dough, they were frying it, फ्राई करने के बाद उसमें जैम वैम भर रहे थे और उसके बाद शुगर में रोल किया और उसी समय दे आर सेलिंग इट आउट एंड दे आर सेलिंग इट आउट लाइक हॉट केक्स मैन। वेरी लाइट फ्लफी, right amount of jam into it, it's not so sweet, in fact they are putting a sugar on it. So guys, must visit if you are coming here. After so long maine aisa dekha hai, kafi kisi agar kisi cheez ki hype hai aur uski usne wo maintain kiya hua hai jo wo product matlab yahan pe bech rahe hain, jo bhi bana rahe hain uski quality wahi maintain hai। So guys, I guess specially people visit to this Queen Victoria market to visit this truck to have these fresh donuts। और यहाँ पे पता नहीं क्वीन विक्टोरिया मार्केट की वजह से यहाँ पे फ्रेश अमेरिकन डोनट्स को जो बिजनेस मिल रहा है या उसकी वजह से क्वीन विक्टोरिया मार्केट में फुटफॉल आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा ही हो रहा है, बट इट वॉज़ वर्थ। अब गाइज, मैं आपको क्वीन विक्टोरिया मार्केट दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी ओल्ड मार्केट और यहाँ पे यू गेट एवरीथिंग, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स एंड इट हैज़ अ हिस्ट्री विच यू कैन गूगल इट। रेस्ट आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस मार्केट नाउ।
sunrise, you have to be really early. They usually get close at 4 o'clock in evening. और टाइम से आपको यहाँ पे पहुँचना होगा. एंड लुक एट दिस, दिस इज द मार्केट. आपको यहाँ पे सारे हॉकर मार्केट मिलेगी एंड फ्रूट मार्केट इज ऑन द अदर साइड. तो गाइस, इससे पहले मैंने वियना में अक्टूबर फेस्ट अटेंड किया था, वो वीडियो ज़रूर देखना मत भूलिएगा. और मैंने लिंक शेयर कर दिया है आपके डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा. इस वीडियो को बहुत अच्छे से मैंने एडिट किया है, ज़रूर देखिएगा. आई एम श्योर यू विल गोना लाइक इट. और गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे. तो गाइस, शाम हो चुकी है और मैं जस्ट अभी चेक कर रहा था. मेरे को एक दो जो फूड आउटलेट्स और कवर करने थे वो अभी अनलकीली बंद हो चुके हैं, दे आर क्लोज नाउ. मेरे को यहाँ जाना था, हेक्टर्स डेली इज शोइंग क्लोज्ड. और इसके अलावा यहाँ पे एक लून करके है जहाँ पे बेस्ट क्रोसो मिलता है वर्ल्ड का, ऐसा दावा किया जाता है. तो मैंने सोचा वो ट्राई करते हैं, बट बोथ ऑफ देम आर शोइंग क्लोज्ड. तो गाइज, नेक्स्ट टाइम जब भी मेलबर्न आऊँगा वो आप लोगों के लिए कवर करूँगा. और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ यहाँ पे ट्रैम एरिया के बारे में, मेलबर्न के बारे में, और कैसे यहाँ पे हुक टर्न वगैरह क्या होता है. तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. दीज ट्रैम्स आर ऑल्सो मेड इन मेलबर्न, उसमें लिखा हुआ है. सो गाइज, देर इज़ अ फ्री ट्रैम जोन इन मेलबर्न. तो गाइज, अगर आप डाउनटाउन सिटी के बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी घूमना चाहते हैं तो यू कैन ट्रैवल फॉर फ्री इन दीज ट्रैम्स. इसका एक जोन है और इफ़ यू डोंट हैव टू टच दिस कार्ड. अगर आप मेलबर्न में आते हैं तो यू हैव टू बाय दिस कार्ड और मिकी, और $6 का इसका वैल्यू होता है. बाई चांस मेरा अभी कार्ड एक्सपायर हो गया था. इट्स बीन फोर ईयर्स, आफ्टर फोर ईयर्स आई एम कमिंग टू मेलबर्न. तो वो एक्सपायर हो गया बाई चांस, मेरे को कार्ड उन्होंने एक्सचेंज करके दे दिया और उसकी वैल्यू भी इसमें आ गई है. तो यू डोंट हैव टू टच द कार्ड अगर आप फ्री ट्रैम जोन में हैं. और बस आप भी जब भी कभी मेलबर्न में आए तो मेक श्योर अगर आप फ्री ट्रैम जोन में नहीं हैं तो आप इस कार्ड को टच करना मत भूलिएगा, वरना आपका फ़ाइन लग जाएगा तगड़ा वाला. और यहाँ पर चेकिंग होती रहती है. तो गाइज, यहाँ पे कुछ गेमिंग वीक चल रहा है कन्वेंशन सेंटर में और मैं देख रहा था यार, देर वॉज लॉट ऑफ क्राउड वो गोइंग टूवर्ड्स दैट मेलबर्न कन्वेंशन सेंटर. और आज लास्ट डे है और पीपल वर ड्रेस्ड अप सो नाइसली. बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक हुक टर्न होता है. अगर गाड़ी को राइट में जाना है, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, अगर इनको राइट टर्न लेना है तो इनको आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा बीच में, क्रॉसिंग दिस ट्रैम लाइन. आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है राइट टर्न. सी, अब इस गाड़ी के पीछे ये वाली सारी गाड़ियाँ निकलेंगी. ये देखिए. तो गाइस, यू नाउ यू गॉट टू नो दिस टर्न इज वेरी कॉमन. और जो भी लोग यहाँ पे गाड़ी ड्राइव रेंट ऑन ड्राइव करके करते हैं, लेते हैं, और उनके सबसे ज़्यादा चलान यहाँ पे इसी चीज़ के कटते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्न. गाइज़, अब आपको थोड़ा सा तो पता चल ही गया होगा हुक टर्न के बारे में और यहाँ की ट्रैम. मैंने आपको फ्री ट्रैम जोन बताया है तो मैप के अंदर आप फ्री ट्रैम जोन देख सकते हैं कहाँ पे क्या है. और यहाँ पे वैसे ट्रेन्स भी है, मेट्रो भी है,
तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना प्रॉब्लम है नहीं वैसे। और गाइस वैसे यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने को, मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे मेलबर्न में, इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ को भी लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, और हम ग्रेट ओशन रोड वगैरह सब घूमे हुए हैं। So guys, here is the Flinders Street. This is the main station of Melbourne. और दिस इज द सेंटर पॉइंट, यहाँ से आप कहीं की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं एंड इट्स ब्यूटिफुल। तो गाइस आई एम बैक टू द रूम। यार थोड़ा बहुत वॉक किया, देखा मैंने, थोड़ा सा आपको बताया मेलबर्न के बारे में, फ्लिंडर्स स्ट्रीट वगैरह के, वहाँ से मैंने ट्रैम पकड़ी और मैं वापस आ गया हूँ होटल, और एक दो मैंने डोनट्स खा लिए हैं और दो तीन मेरे पास इसमें रखे हैं और ये मेरे पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपनी फैमिली को ट्राई कराऊँ इंडिया में। तो गाइस इसको हम लेके चलेंगे इंडिया और ट्राई कराएंगे अपनी फैमिली को और देखेंगे उनका रिएक्शन कैसे लगते हैं उनको ये फ्रेशली मेड डोनट्स। लेट्स गो टू इंडिया। सो गाइस मेलबर्न से मैं आ चुका हूँ, घर पहुँच चुका हूँ और मेरी फैमिली भी यहीं पे है। जस्ट अभी अभी कैरव हैज कम फ्रॉम द स्कूल और प्रथम से हेलो टू आवर ऑडियंस, से हेलो टू एवरीवन। तो गाइस डोनट्स आ चुके हैं और इनका जो रिएक्शन है अगर आपको देखना है डोनट्स का, ये देखिए डोनट्स मैं लेके आ चुका हूँ घर में मेलबर्न से और कैरव को खिलाऊंगा। ये कैरव डोनट्स खाने हैं आपको डोनट्स, ठीक है। तो गाइस इसका रिएक्शन देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा नए चैनल पे जौहर फैमिली व्लॉग्स। तो गाइस मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसमें मैं फैमिली व्लॉग्स अपडेट करूँगा, तो आप उस चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा नया चैनल है तो गाइस फुल सपोर्ट कीजिएगा इस हमारे नए चैनल को और वहाँ पे हम डेली फैमिली व्लॉग्स डालेंगे। तो गाइस मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या सबसे बढ़िया लगा।